गुरु अपने इन बुलंदियों पर। मैंने सितारों को जमी पर चलते देखा है, जिनके इशारे पर सूरज और चांद ढलते थे उनको हमने फांसी पर झूलते देखा है। प्रशांत किशोर के पास पूरी डाटा है, वो बोल रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो जब हम रणभूमि में उतर गए हैं तो औकात भी दिखा सकते हैं। अभी फील्ड में नहीं ना उतरे हैं, ऐसा फुटबॉल मत नुड़िया ना कि आउट हो जाए। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है कि डर है प्रशांत किशोर से? कैसे प्रशांत किशोर से? वैसा आप बात बतीबा जा कि कौनो जो डर है। अभी महागठबंधन के साथ हम लोग हैं और मजबूती से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो चार जगह भी चुनाव होने जा रहा है उसमें भी वीआईपी लोग की जब सरकार बनेगी तो क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देंगे? देखिए सरकार कहाँ है, हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। आज की चर्चा करेंगे, बिहार विधानसभा में चार विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर महागठबंधन ने अपने चारों प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया है और सबसे हॉट सीट तरारी और बेलागंज माना जा रहा है, उसको लेकर हम चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिन जी हैं, इनसे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी उपचुनाव में। देखिए हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी महागठबंधन में जब से हुए हैं मजबूती से हम लोग लगे हुए हैं और लोकसभा भी लगे थे और विधानसभा में भी जो उपचुनाव चारों जगह होने वाला है उसमें वीआईपी का मजबूती से रोल रहेगा, उसमें किंतु परंतु नहीं है। क्या लगता है 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उसमें महागठबंधन के साथ ही आपके नेताजी लड़ेंगे? जी जी जी, अभी महागठबंधन के साथ हम लोग हैं और मजबूती से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो चार जगह भी चुनाव होने जा रहा है उसमें भी वीआईपी पूरी मजबूती से चारों विधानसभा में वीआईपी के आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी के दिशा निर्देश अनुसार सभी पदाधिकारियों द्वारा लिस्ट जारी कर दिया गया है। हर विधानसभा में 22-22 को प्रभारी और सहप्रभारियों का नियुक्ति हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने कर भेजे हैं और सारे कचकर्ता वीआईपी के जोर तोर से महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का हम लोग काम करेंगे। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर आपके नेताजी ने काफी कुछ तंज कसे। नीतीश कुमार पर कहे कि जहरीली शराब से मौत हो रही, लेकिन एनडीए के जो मंत्री है नेता है वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या लगता है आप लोग की जब सरकार बनेगी तो क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देंगे? देखिए जब हमारी सरकार बनेगी तो उसपे संशोधन होगा, सिस्टम बनेगा, जिसे हर राज्य में सिस्टम है उस पे सिस्टम बनेगा। आखिर जो बिहार में शराबबंदी है तो गरीब मरा कैसे? आखिर जब शराबबंदी है तो मरा कैसे लोग? इसका मतलब कि सरकार अपने कार्य में नाकामी है, सरकार अपने कार्य से नाकामी कार्य से अपना मुंह छुपा रही है। हाँ आए दिन गरीबों की मौत हो रही है, आए दिन गरीब रोड पर देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। हाँ ये सरकार कहाँ है? हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि जो शराबबंदी पर आपने जो कानून बनाया वो है कहाँ? यदि है तो फिर लोग मरे कैसे, क्यों मरे? जहरीली शराब आई कहाँ से? इसका मतलब कि यहाँ के शासन और प्रशासन दोनों नाकाम है। बीजेपी तो काफी आरोप लगा रही है आपके नेताजी पर, कह रही है कि मुंबई से आए, फिल्म इंडस्ट्री से आए, अलग नेता बने, उनकी क्या औकात है? उनकी औकात पता चल जाएगी और चल गई है? नहीं चली, नहीं देखे आप लोग शाहबाद रंज से साफ हुआ कि नहीं हुआ? शाहबाद रंज से आपके नेताजी कह रहे हैं, शाहबाद रंज से बीजेपी खत्म हुई कि नहीं हुई? अहंकार, जो अहंकार होता है ना, हम बार बार कहते हैं मत कर गुरूर अपने इन बुलंदियों पर। मैंने सितारों को जमी पर चलते देखा है, जिनके इशारे पर सूरज और चांद ढलते थे उनको हमने फांसी पर झूलते देखा है। अहंकार भरी जो उन लोगों की आवाज है वो खत्म हो जाएगी और जनता निर्णय ले रही है और देख रहे हैं ना कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। बिहार में जो लोग कह रहे थे 400 पार, बिहार में बोल रहे थे 400 है। आज शाहबाद रंज में खाता खुला है, घबराइए मत, ये लोग आप लोग का चाल है, ये लोग तड़फड़ा रहे हैं। नहीं, और जाकर देखिए पूरे महागठबंधन में लगे, हमारी पर्सनल बात मत कहिए। महागठबंधन की टेंशन तो इधर प्रशांत किशोर भी बढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं कि इस बार औकात दिखा देंगे, 25 छोड़िए 24 में ही औकात दिखा देंगे। एगो आप पहले देखे होंगे, एगो क्रिकेट जब खिलाड़ी एक श्रीलंका का क्रिकेट बॉलर आया था जिसका नाम था अजंता मेंडिस, हवा बनाया था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने एशिया कप में 6 विकेट लिया था। आखिर कुटाई कैसे हुआ उसका? नहीं देखे, आउट हो जाएंगे आज तलक अजंता मेंडिस लोग के।
प्रशांत किशोर के पास पूरी डाटा है, वो बोल रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो जब हम रणभूमि में उतर गए हैं तो औकात भी दिखा सकते हैं। एक चीज बता देते, उत्तर प्रदेश में गए थे, उत्तर प्रदेश में किसके लिए काम कर रहे थे, वहाँ सरकार बना दिए, उत्तर प्रदेश में सरकार बना दिए, आप लोग देखे ना उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर का वोट है कहाँ, कहाँ है? हमारा 2 तारीख को 2 अक्टूबर को अपनी औकात दिखाई, इतना बड़ा जनसलाभ लाकर अपने पार्टी का घोषणा की, कहाँ वोट है? पूरा बिहार में बोल रहे हैं। करनी और कथनी में अंतर है, अभी फील्ड में नहीं ना उतरे हैं, ऐसा फुटबॉल मत नुड़िया ना कि आउट हो जी है। अच्छा, अच्छा क्या लग रहा है कि डर है प्रशांत किशोर से? कैसे प्रशांत किशोर से? ऐसा ऐसा ना आप बात बताइए बाजा की कौन का डर है, है? जहाँ बड़े बड़े सुरमा है तारशांत प्रशांति कुल सब हुआ है, ये लोग किसके लिए जो काम किए हैं, जिसके लिए जो काम किया वही भेजे हैं, जिसके लिए काम किए हैं वही भेजे हैं। आपके पार्टी कब से प्रचार प्रसार में उतर रही है उपचुनाव? लग गई है पहले ही से, 2 महीना पहले ही से महागठबंधन की तैयारी में वीआईपी लगी हुई है। तो अभी आप सुन रहे थे वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना बयान दिया कि देखिए प्रशांत किशोर जिस तरह से एक क्रिकेट में अजंता मेंडिस आए थे, एक मैच में 6 विकेट लिए थे, लेकिन उनकी पतन हो गई, वैसे ही प्रशांत किशोर की पतन हो जाएगी। अब इनके दावे में कितना दम दिखेगा ये तो चुनाव में ही पता चल जाएगा। 13 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है, और उसके बाद 23 नवंबर का इसका रिजल्ट आना है। अब 23 नवंबर को देख रहे हैं, ये दिलचस्प होगा कि वीआईपी पार्टी जिस तरह से गरज रही है, महागठबंधन की साथ दे रही है, कितना उस पर अमल हो पा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।